हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हों तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, यानी चार घातीय बहुपद हैं, और हम जानते हैं कि चार घातीय बहुपद के चार शून्य होते हैं। तो इसके दो शून्य पहले से दिए हैं, दो शून्य हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं प्रश्नावली 2.3 में करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस बहुपद को px मान लिया, ठीक है। अब देखो, इस बहुपद के दो शून्य हमें दिए हैं, एक शून्य है 2 प्लस रूट 3 और एक शून्य है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखा था, हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये शून्यक हैं इस बहुपद के, तो x की जगह पर इनको रखने पर बहुपद का मान शून्य आना चाहिए। भाई हम लोग यही तो जानते हैं कि अगर इस बहुपद का ये शून्यक है तो इसको x की जगह पर रखो और हल करो, बहुपद का मान ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 2 प्लस रूट 3, और इसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2 माइनस रूट 3, ठीक है। x की जगह पर हम इसे रखेंगे और x की जगह पर हम इसे रखेंगे और हल करेंगे, बहुपद का मान जीरो आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये दोनों इस बहुपद के शून्य हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब 2 प्लस रूट 3 को इधर लेकर आओ, मतलब x के पास लेकर आओ। जब आप x के पास लेकर आओगे तो क्या होगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, x माइनस 2 माइनस रूट 3, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, आगे काम भी आएगा, ठीक है। अब देखो, ये इसका एक शून्यक है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। फिर से बोलूँ, ये इस बहुपद का अगर शून्यक है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब यह है कि जब आप इस बहुपद से, ये भी एक बहुपद है, जब आप इस बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग करोगे तो शेषफल जीरो आएगा, शेषफल जीरो आएगा। तो ये वाला बहुपद जो है वो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। मतलब ये कि हम इस वाले से इसमें भाग कर सकते हैं, हमें शेषफल जीरो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो आपको मिलेगा, ये आया इधर तो हो गया माइनस 2 और ये इधर आया तो हो गया प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। आप इसे ऐसा लिख सकते हो, तो ये भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। सोचो अगर इस वाले बहुपद से इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आता है, इस वाले बहुपद से इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आता है, तो जब आप इन दोनों का गुणा कर दोगे और गुणा करने के बाद जो बहुपद आएगा उससे जब इस बहुपद में भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई मैंने आपको वहाँ पर समझाया था, फिर से समझ लो कि मान लो कि आपने 2 से भाग किया 12 में, भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 × 12, ठीक है, ये कट गया। 3 से भाग कर दो 12 में, चला जाएगा भाग, चला गया। 2 से 12 में भाग किया, शेषफल जीरो आया, 3 से 12 में भाग किया, शेषफल जीरो आया। तो जब आप 2 और 3 का गुणा कर दोगे, 2 और 3 का गुणा करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, और जब आप 6 से 12 में भाग करोगे तो भी शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है, 2 क्या है 12 का एक गुणनखंड है, 3 क्या है 12 का एक गुणनखंड है, तो ये वाला बहुपद क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ये वाला बहुपद क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अगर इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आता है, इससे इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आता है, तो जब आप इन दोनों का गुणा करके भाग करोगे तो भी शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें इन दोनों का गुणा कर देना है, ठीक है। तो कर देते हैं गुणा, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3
है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको आप मान लो ए और इसको आप मान लो बी, ये ए और ये बी, तो एक ब्रेकेट में ए माइनस बी और एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे इतना ही आएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा माइनस तीन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, चार में से तीन निकल गया कितना आया, एक आया, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी एक बहुपद ही है, ये भी क्या है, एक बहुपद है, तो इसे आप मान सकते हो क्या, जी एक्स, क्या मान लोगे, जी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ये वाला बहुपद कैसे मिला है, ये वाला बहुपद इन शून्यकों की मदद से मिला है, हमने x बराबर एक बार 2 प्लस रूट थ्री लिखा, एक बार x बराबर 2 माइनस रूट थ्री लिखा, वहाँ से हमने दो गुणनखंड प्राप्त किए, वो दोनों गुणनखंड इस वाले बहुपद के गुणनखंड थे, मतलब इसमें भाग करने पर शेषफल जीरो आ रहा था, तो हमने उन दोनों का गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमें ये वाला बहुपद मिला है। अब इस वाले बहुपद से जब आप इस वाले बहुपद में भाग करोगे तो शेषफल जीरो आएगा। भाई ये कुछ नया थोड़ी है, ये तो हमने इन दोनों गुणनखंडों का गुणा किया, हमें ये बहुपद मिल गया। ठीक है, अब इस वाले से जब आप इस वाले बहुपद में भाग करोगे तो शेषफल जीरो आएगा, शेषफल जीरो आएगा। ठीक है, शेषफल जब जीरो आ जाए तो हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब किससे, हमें मतलब है भागफल से, किससे मतलब है, भागफल से। भागफल जो भी आएगा उसको फिर से हल करेंगे, उसको फिर से हल करेंगे, उसका फिर से गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हमें दो अन्य शून्यक मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम लोग करने क्या वाले हैं, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में हम लोग भाग करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर में आप एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तभी एक्स पावर फोर होगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से आप इसमें गुणा करोगे एक्स पावर फोर आएगा, एक्स स्क्वायर से आप फोर एक्स में करोगे तो कितना आएगा, फोर एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा फोर एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से वन में करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, घटा लो ये तो कट गया है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस छः और प्लस चार यानी माइनस दो एक्स क्यूब, और यहाँ पर माइनस है ये भी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 26 में एक जुड़ गया तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर हो गया, और आगे जो बचा है उसको आप नोट कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से भाग करेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस टू एक्स क्यूब, है ना, तो ये माइनस टू एक्स क्यूब कब होगा, जब आप इसमें माइनस टू एक्स से गुणा करेंगे, है ना, तो माइनस टू एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस टू एक्स से माइनस फोर एक्स में करोगे कितना आएगा, प्लस एट एक्स स्क्वायर, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस टू एक्स से वन में गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस टू एक्स। ठीक है, घटा लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 27 में 8 जुड़ जाएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 138 में 2 जुड़ गया, कितना आ गया, 140 एक्स, और माइनस 35 बचा है उसको यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, अब ये माइनस 35 एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें हमें माइनस 35 से गुणा करना पड़ेगा, कर देते हैं, जब आप गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, और माइनस 35 का माइनस 4 एक्स में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 35 का 4 में गुणा करोगे यही आएगा, है ना, 140 एक्स। ठीक है, और माइनस 35 का 1 में करोगे तो माइनस 35 ही आएगा, अब घटा लो भैया, घटा लो, है ना, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यानी शेषफल कितना आया, जीरो आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको
कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भागफल आया ना उसी को हल कर लेना है, आपको दोनों शून्य मिल जाएंगे। यहाँ पर भागफल कितना आया है, यहाँ पर भागफल आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, है ना, इसको जीरो के बराबर लिख लो। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुपद है और हम तो शून्य निकालने चल रहे हैं ना, तो जब भी हम शून्य निकालते हैं तो बहुपद को जीरो के बराबर लिखते हैं, तो इस वाले बहुपद को हमने जीरो के बराबर लिख दिया। अब इसे हल कर लेंगे, ये द्विघातीय बहुपद है तो हमें दो शून्य दे देगा, तो दो शून्य हमें पहले से दिए थे, दो शून्य हमें यहाँ से मिल जाएंगे, तो इस चतुर्थघाती बहुपद के चारों शून्य हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और प्रश्नावली 2.3 में मैंने बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था, वो भी चतुर्थघातीय ही था, है ना। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है ना, आप आराम से कर लोगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग किया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तब k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले बहुपद में जब आप इस वाले बहुपद से भाग करोगे तो आपको शेषफल x प्लस a मिलेगा, तो कह रहा है कि k का और a का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है, बहुत बड़ी बात नहीं है और ऐसी भी बात नहीं है जो आप जानते नहीं हैं, बस आपको ध्यान में रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो बात क्या है देखो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि मैं 35 में 6 से भाग करता हूँ, मैंने कहा कि मैं 35 में 6 से भाग करता हूँ, तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए तो ये हो गया 30, है ना। अब देखो शेषफल कितना आया, 5 आया। ठीक है, ये बात आप समझ गए, मैंने 35 में 6 से भाग किया, 5 बार भाग गया, शेषफल 5 आया। ठीक है, अब मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 35 बराबर 6 गुणे 5 धन 5, ऐसे ही तो लिखूँगा। ये क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भागफल है, और ये क्या है, ये शेषफल है। इतनी बात समझ गए, देखो जब आपने 35 में 6 से भाग किया तो शेषफल कितना आया, 5 आया। अगर मैं इस शेषफल को भाज्य में से घटा दूं, मतलब 35 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो कितना आएगा, 35 में से 5 घटाऊंगा कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। अब अगर मैं 30 में इस 6 से भाग करूं तो शेषफल कितना आएगा, देख लो, 30 में अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो 6 पंचे 30 और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप शेषफल को भाज्य में से घटा देते हैं और फिर से भाग करते हैं तो शेषफल कितना होगा, 0। ये 35 क्या है, ये 35 भाज्य है और 5 क्या है, 5 शेषफल है। तो आपने क्या किया, आपने भाज्य में से शेषफल को घटा दिया, आपने क्या किया, आपने भाज्य में से शेषफल को घटा दिया। जब आपने ऐसा किया उसके बाद आपको 30 मिला और इस 30 में जब आपने 6 से भाग किया तो शेषफल 0 आ गया। मतलब ये कि अगर आप भाज्य में से शेषफल को घटाकर फिर भाग करोगे ना तो शेषफल आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। समझ गए बात, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 27 में भाग करता हूँ 6 से, है ना, 6 चौक 24 होगा, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 27 में से 3 घटा दूँ कितना मिलेगा, 27 में 3 घटाओगे 24 मिलेगा। अब अगर इस 24 में मैं 6 से भाग करता हूँ तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी भाज्य में से अगर आप शेषफल को घटाकर फिर से भाग करोगे ना तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है और इस बात का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे करें। देखो इस वाले बहुपद में आप भाग कर रहे हो तो ये भाज्य होगा, इस वाले बहुपद से भाग कर रहे हो तो ये भाजक होगा, और ये तो आपको शेषफल दिया ही है ना। तो ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और ये शेषफल हो गया। हम लोग इन्हें इस वाले फॉर्मूले में लिख सकते हैं, है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य कितना है, भाज्य है
एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है ना इक्वल टू। भाजक क्या है? भाजक है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, है ना। भागफल नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से भागफल को qx लिख लेते हैं, है ना, qx लिख लेते हैं। शेषफल कितना दिया है? शेषफल दिया है x प्लस a, ठीक है, ये हो गया। अब इस x प्लस a को हम इधर लाएंगे, ठीक है, तो ले आते हैं x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। और x प्लस a को इधर लाओगे तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस a इक्वल टू, क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू क्यू एक्स, ये हो जाएगा। अब अगर मैं क्यू एक्स का मान निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्यू एक्स इक्वल टू, देखो, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x प्लस a अपॉन, देखो qx का मान हम निकाल रहे हैं तो ये वाला जो बहुपद है इसके साथ गुणा कर रहा है, अगर मैं इसे इधर भेजूंगा मतलब बराबर के इधर भेजूंगा तो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया है, ये भाज्य था, ये भाजक था, ये शेषफल था, इसे इस वाले फार्मूले में लिख दिया। लिखने के बाद x प्लस a को बाईं तरफ ले आए, फिर क्यू एक्स का मान निकाल लिया, क्यू एक्स बराबर क्या आ गया, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x प्लस a अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ये वाला पद इसके साथ गुणा कर रहा था तो इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, ठीक है। अब देखो, समझो बात को, ये है क्या, ये तो भाज्य है, ये क्या है, ये भाज्य है, और ये क्या है, ये शेषफल है। तो भाज्य में से हम क्या कर रहे हैं, शेषफल निकाल दे रहे हैं, मतलब भाज्य में से शेषफल को घटा रहे हैं, तो कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा ना उसमें जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई मैंने आपको अभी बताया कि जब हम लोग भाज्य में से शेषफल को घटाकर फिर भाग करते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो अब अगर मैं इस वाले पद को, इस पूरे वाले पद को इस वाले पद से भाग करूंगा तो मुझे शेषफल क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब हम लोग इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद से भाग करेंगे और शेषफल जीरो लाएंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा इसे साल्व कर लेते हैं। तो जब आप साल्व करोगे तो ये x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस x हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं हम x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, ये माइनस 25x है और ये माइनस x है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 26x हो गया, और ये है प्लस 10 और ये माइनस a, अपॉन कितना, अपॉन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। ये है qx का मान, मतलब भागफल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद से भाग करना है और शेषफल जीरो लाना है, ठीक है। तो करते हैं भाग। ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, एक्स पावर 4 है, तो इसका मतलब कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तभी एक्स पावर 4 होगा, है ना। तो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो एक्स पावर 4 आया, एक्स स्क्वायर का जब आपने माइनस 2x में गुणा किया तो माइनस 2x क्यूब मिला, और जब आपने एक्स स्क्वायर का k में गुणा किया तो आपको मिला प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। घटा लेते हैं, ये तो कट गया क्योंकि ये प्लस है माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस है, तो माइनस 6 में से 2 निकलेगा तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये 16x स्क्वायर है
और ये प्लस माइनस 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 के एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 16x² माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे जो बचा है उसको उतार लीजिए, तो माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप चाहो तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से भाग करते हैं, ये माइनस 4x³ है और ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब आपको माइनस 4x से गुणा करना पड़ेगा। जब आप माइनस 4x से एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 4x³। माइनस 4x से आप माइनस 2x में गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 × 8 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आप माइनस 4x का जब k में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 4kx, ठीक है, घटा लेते हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस है और ये माइनस, तो ये इससे कट गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को घटाना है, तो घटा देते हैं, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस 26x है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4kx, ठीक है, यहाँ पर 4k है, यहाँ पर 26 है, ठीक है। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए, 10 माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकता हूँ, मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर, है ना, इसको कॉमन कर लिया, और 16 में से 8 निकल गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 8 माइनस के, है ना, तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही देखो यहाँ पर माइनस 26x है, यहाँ पर 4kx है, तो इन दोनों में x कॉमन है, देखो माइनस 26x प्लस 4kx, इन दोनों में x कॉमन है, अगर मैं x को बाहर लूँ तो यहाँ पर बचेगा माइनस 26 और यहाँ पर बचेगा 4k, है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 4k माइनस 26x, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, तो इतने को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ, है ना, इसको लिख देता हूँ प्लस 4k माइनस 26x, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से भाग करेंगे, यहाँ पर देखो 8 माइनस k है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें हमें 8 माइनस k से गुणा करना पड़ेगा, तो कर देते हैं गुणा। जब आप 8 माइनस k से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस k एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। फिर 8 माइनस k का आप माइनस 2x में गुणा करोगे, देखो 8 माइनस k का जब आप माइनस 2x में गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस 2 का अंदर गुणा कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा, माइनस 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2k, है ना, तो इससे आप लिख सकते हो क्या, 2k माइनस 16, है ना, तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 2k माइनस 16, ठीक है, एक्स। अब 8 माइनस के का k में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा k 8 माइनस k, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब घटा लेते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, एक ही पद हैं विपरीत चिन्ह वाले, तो ये कट जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो 4k माइनस 26 है, 4k माइनस 26, है ना, x, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 2k माइनस 16x, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 माइनस a है और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस, है ना, k 8 माइनस k, ठीक है, ये आ गया। थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन कर लेते हैं, तो देखो ये है 4k माइनस 26, है ना, और ये है माइनस 2k माइनस 16, x को कॉमन कर लिया यहाँ से और यहाँ से, x को बाहर कर लिया, मैं इन दोनों को अभी हल कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे
तो ये माइनस है, इसको जाके प्लस कर देगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 4k, यहाँ पर 2k है तो घट जाएगा, 2k बचेगा। यहाँ पर माइनस 26 है और यहाँ पर कितना है, प्लस 16। 26 में से 16 निकाल दो, कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है ना। तो 2k माइनस 10x, जब आपने इनको हल किया तो आपको मिला 2k माइनस 10x। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, देखो ये है 10 माइनस ए और माइनस के 8 माइनस के। ठीक है, यही तो है। अब अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10 माइनस ए, माइनस के का अंदर गुणा किया तो माइनस 8 के, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हटा के, मैं लिख सकता हूँ, 2 के माइनस 10 एक्स प्लस कितना, 10 माइनस ए माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। अभी भी शेषफल जीरो नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो 2 के माइनस 10 एक्स प्लस 10 माइनस ए माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, हमें तो शेषफल जीरो लाना है ना। तो आगे भाग करते हैं, तो यहाँ पर देखो भाजक की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर शेषफल की घात कितनी है, 1 है। शेषफल की घात भाजक की घात से कम है, इसका मतलब हम आगे भाग नहीं कर सकते। तो जब हम आगे भाग कर ही नहीं सकते तो शेषफल जीरो लाएंगे कैसे, तो उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि भाई शेषफल हमें जीरो चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पद और ये वाला पद जीरो होना चाहिए। अगर ये वाला पद जीरो हो जाए तो जीरो का जब आप एक्स में गुणा करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। भाई अगर मैं इसको जीरो लिख दूँ और फिर इसमें एक्स का गुणा करूँ तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और इस वाले पद को अगर मैं जीरो लिख दूँ तो टोटल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई अगर ये जीरो हुआ, एक्स में गुणा किया तो जीरो मिल गया, और ये भी जीरो हो जाए तो जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो मिलेगा। मतलब शेषफल जीरो आने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि 2k माइनस 10 बराबर जीरो हो और ये वाला पद भी जीरो हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः 2k माइनस 10 इक्वल टू कितना, जीरो। जब ये वाला पद जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा पद जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2k बराबर माइनस 10 को उधर ले जाओ, प्लस 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। यहाँ से आपको k बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया, k का मान आपको मिल गया। ठीक है, तो ये वाला पद जब मैंने जीरो किया तो मुझे k का मान कितना मिला, 5 मिला। अब अगर आप k का मान यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 दूना 10, 10 में से 10 घटाओगे जीरो मिलेगा। ठीक है, अब इस वाले पद को जीरो करेंगे, है ना। तो और 10 माइनस ए माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। ठीक है, इसको भी जीरो कर दिया। जब मैं इसको और इसको जीरो कर दूंगा तो शेषफल पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस ए माइनस 8, देखो के का मान आपने निकाला है 5, तो यहाँ पर रख दो, 8 गुणे 5 धन 5 का स्क्वायर बराबर कितना, जीरो। ठीक है, 10 माइनस ए माइनस 8 पंचे 40 और 5 पचे 25 बराबर कितना, जीरो। देखो ये 10 है, ये 25 है, तो 25 और 10 कितना हो गया, 35, है ना, कितना हो गया, 35। तो 35 माइनस ए माइनस 40 बराबर जीरो। 35 में से 40 घटाओगे माइनस 5 मिलेगा, तो माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू कितना, जीरो। इस माइनस 5 को उधर ले जाओ तो माइनस ए बराबर मिलेगा 5, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया ए बराबर कितना, माइनस 5। ठीक है, तो जब मैंने इस वाले पद को और इस वाले पद को जीरो के बराबर किया तभी हमारा शेषफल जीरो आया, और जब हमने इनको जीरो के बराबर किया तो हमें के बराबर 5 मिला और ए बराबर माइनस 5 मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 एंड माइनस 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।